दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई के मौके पर तमाम पार्टी के नेता उनका स्वागत करने पहुंचे। वैसे दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा ने भी अपने नेता केजरीवाल की रिहाई का स्वागत किया। अपने नेता केजरीवाल के समर्थन में जेल के बाहर पहुंचे महाबल मिश्रा ने इस मौके पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। महाबल मिश्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी वाले इतना डरते हैं कि चुनाव से चंद दिनों पहले ही उन्हें गिरफ्तार करवा दिया जिससे वो प्रचार न कर पाए। महाबल मिश्रा ने आगे कहा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी की साजिशन गिरफ्तारी से बेहद नाराज है। अब तो दिल्ली का एक एक नागरिक कह रहा है कि मैं केजरीवाल हूं और जेल का जवाब वोट से दूंगा। जनता में जोश है और केजरीवाल जी को जिस तरह से बिना किसी कारण जेल में बंद है, हर जनता अपने आप को कहता है मैं केजरीवाल हूं और जेल का जवाब वोट से दूंगा। ये आज आपको दिखाई दिया होगा जोश से, उपस्थिति से। तो आज जो बीजेपी की सरकार रही 10 साल में, यहाँ कोई विकास नहीं किया। इस क्षेत्र में जिस तरह से एमएलए 10 साल में विकास किया, जो एमपी पहले मैं था जो विकास करके गया, उसको आधार को लोग देखता है और लोग कहता है काम किया महाबल मिश्रा, काम किया है, काम करेगा, जन जन का सम्मान करेगा। इसलिए महाबल मिश्रा को लाओ और बीजेपी को भगाओ। भाजपा सरकार का ये कहना है कि इस बार लोकसभा चुनावों में 400 के पार, क्या लगता? देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी के नाम से इतना वो डर लगता है जो सिर्फ चुनाव के प्रचार के कारण उनको जेल में बंद किया गया है। और अगर कहता 400 पार, इसके मतलब 400 हारेगा।